Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be my after school routine. So in this video I'm gonna be showing whatever I do after coming back from my school. So here I just came from my school और इधर मैं अपने shoes को shoe box में डाल रही थी. उसके बाद मैं घर में जा रही थी. So सबसे पहले तो मैं अपने घर का जो main door है उसको close कर देती हूँ. And the first thing which I do after coming from school is कि मैं अपने room में जाती हूँ और मेरा जो bag है ना guys उसको मैं अपने स्टडी टेबल के पास रख देती हूँ. कभी कभी यहाँ वहाँ होता है बट मोस्टली स्टडी टेबल के पास ही रखती हूँ, वो उसकी लाइक जगह है. और उसके बाद मैं अपने हैंड्स वॉश करती हूँ क्योंकि मेरा स्कूल बहुत दूर है तो बहुत डस्ट, बहुत सारे जर्म्स होते हैं. और गाइज़ आपको भी अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए स्कूल से आने के बाद. उसके बाद मैं हर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ ऑफकोर्स. और इधर मैं अपना लंच कर रही थी तो लंच में टुडे आई वॉज हैविंग भिंडी की सब्जी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और साथ में थी चपाती, कर्ड और स्पाइसी मसालेदार टोमेटोज़. मतलब वॉइस ओवर कर रही थी, अब मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ. सो या आई जस्ट केम फ्रॉम माई स्कूल, आई हैड माई लंच और इट वॉज अ नाइस डे टुडे एट स्कूल. मतलब प्रॉक्सी का लेक्चर भी था तो हमने काफ़ी मस्ती वस्ती की. गाइज बाय द वे हमारे स्कूल की मतलब ऐसी न्यूज़ आई है कि हमारा जो स्कूल है वो पूरे इंडिया के टॉप 15 स्कूल्स में से एक है, विच इज़ अ वेरी proud thing for all the students of my school. So yeah, I'm very proud of that कि हमारा school पूरे India के top 15 schools में से एक है, तो हमारे schools को awards वगैरह मिले. तो आज मतलब assembly में वो सब दिखाया भी गया था. तो yeah, it was a very nice day today at school. And अब since I'm done with my lunch, अब मैं अपना homework करूँगी क्योंकि अभी 3:30 time हो रहा है. तो 3:30 से लेके 5 बजे तक मेरा जितना भी homework है मैं उतना होमवर्क कंप्लीट करूँगी. मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि स्कूल से आके गए सब थक जाते हैं, इवन मैं भी अभी थक चुकी हूँ तो पढ़ाई तो अभी होगी नहीं. तो आई विल जस्ट लाइक डू माय होमवर्क. गाइस बिफोर आई डू माय होमवर्क आई लाइक टू टाई माय हेयर. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the गाइज मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करती हूँ. तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बट रेफरेंस बुक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे होते हैं. प्रैक्टिस के लिए आई लाइक टू सजेस्ट यू टू रेफरेंस बुक्स पर्टिकुलरली फॉर साइंस एंड मैथ्स. तो ये दोनों रेफरेंस बुक्स हैं गाइज फिजिक्स वाला की, ये बहुत बहुत मतलब मुझे हेल्पफुल लगी हैं. गाइज तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ये फिजिक्स वाला की रेफरेंस बुक्स क्यों यूज़ करती हूँ. तो सबसे पहले हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट मैप मिलेगा. मतलब कि अगर आपसे बाय चांस लास्ट मिनट पे कोई चैप्टर छूट जाता है गलती से तो आप कंसेप्ट मैप देख सकते हो. उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको एक ही मैप के थ्रू मिल जाएंगे. फिर इसके अलावा इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. गाइज इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उसके नीचे आंसर्स भी हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ आंसर के लिए भटकना ना पड़े. गाइज इन रेफरेंस बुक की बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें भर भर के MCQs हैं क्योंकि गाइज थ्योरी में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं बट MCQ में गलती से चूक हो जाए ना तो बहुत रिग्रेट होता है. आई कैन फील यू गाइज. मैथ्स की रेफरेंस बुक्स में आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शंस एंड रीजंस मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे. मैथ्स की बुक की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी एक अच्छे से पेज में मिल जाएगा. बेस्ट बात तो ये है गाइस कि आपको इन चैप्टर्स में ना मीम्स भी मिलेंगे, मतलब आप पढ़ते पढ़ते हंस भी सकते हो. साइंस की बुक में ना गाइस आपको निमोनिक्स भी मिलेंगे, मतलब अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है ना तो उसका फनी वे में ना शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपको याद हो जाएगा, विच इज़ वेरी कूल आई गेस. इन दोनों बुक्स में आपको दो मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे और 5 ईयर के जो पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व वे में मिलेंगे. सिर्फ साइंस और मैथ्स ही नहीं गाइस, PW के स्टोर पे आपको 500 बुक्स का सेट मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SS. अगर आपको ये बुक्स पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक्स की एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड टू गेट अ डिस्काउंट. सो उसके बाद मैं अपना होमवर्क करने लग गई थी एज आई से रही हूँ. तो होमवर्क में ना गाइज हमारे स्कूल में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो है इंग्लिश का मैडम राइट्स द बस. तो उसमें हमें 4 ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस चैप्टर के, हमें वो लिखने को बोले थे. तो बस 4 ही क्वेश्चंस थे और बड़े ईजी से थे आंसर, मतलब टेक्स्ट बुक में ही था. सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर एंड आई वॉज राइटिंग द आंसर.
गाइज़ आप लोग अपना होमवर्क कौन से टाइम पे करते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। और हाँ गाइज़, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो मेरा टेडी बियर है, मतलब जो पांडा है, उसके आपको नाम सजेस्ट करने हैं, तो मुझे काफ़ी सारे नाम दिखे। मैंने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया है सबसे बेस्ट कौन सा, बट मुझे बहुत क्यूट क्यूट से नाम मिले, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका फाइनल नेम क्या रखना है। और हाँ, एक और बात मुझे बतानी थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपना हाउस टूर नहीं बना रही, मैं अपना रूम टूर नहीं बना रही, तो इसका रीज़न बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने रूम का या हाउस का टूर बना रही हूँ तो मैं उसको एकदम बेस्ट तरीके से बनाऊँ, क्योंकि एक बार मैं बना लूँगी तो ऑफकोर्स मैं उसको दोबारा नहीं बना सकती। अगर कोई चीज़ एक ही बार हो रही है तो आई वॉन्ट इट कि एकदम बेस्ट तरीके से हो। इसलिए गाइज, जब मैं अपने रूम को एकदम डेकोर कर दूँगी ना, तब मैं पक्का रूम टूर बनाऊँगी। तो गाइज, यहाँ पे मेरा इंग्लिश का होमवर्क हो गया था, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे प्लस आंसर्स भी लिख लिए थे। तो यस, अब देखते हैं नेक्स्ट होमवर्क कौन सा है और कौन सा करना है। सो आई एम डन विद द इंग्लिश होमवर्क, और अब मैं करूँगी एसएस का होमवर्क। तो इसमें हमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो बस हमें नोट डाउन करना है, लाइक 21 क्वेश्चंस है, सो आई जस्ट हैव टू लाइक कॉपी पेस्ट इट, बट आई वांट कॉपी पेस्ट इट एक्चुअली, आई लाइक रीड एंड देन राइट। सो एसएस में हमें सर ने एक पीडीएफ भेजी जिसके क्वेश्चंस हमें लिखने थे, तो यस मैं लिख रही थी। इवन एसएस में भी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जो है चैप्टर 5, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। सो हाँ, वो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें हमें क्यों सर ने जो भी क्वेश्चंस दिए थे आई स्टार्टेड राइटिंग देम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, जो मतलब पिछले साल काफ़ी बार रिपीट हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस थे। तो हम बस हमें वही होमवर्क में दिया था कि ये सब लिखना है, सो यस मैं वही कर रही थी। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Baby, let me buy your meals. I see your head over heels. I feel like you deserve it. There's no pressure. We can do whatever makes you comfortable. Yeah, I could float your boat. It's cold, take my coat. I sing a music note from a song that I just wrote. Girl, just take my hand and let me be your man. No, that's not. ओके गाइज, सो आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑफ माई होमवर्क, नॉट लाइक ऑल द होमवर्क बट ऑलमोस्ट ऑफ माई होमवर्क, क्योंकि हिंदी का होमवर्क बाकी है जिसमें शब्द अर्थ लिखना है किसी चैप्टर के, कोई रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पोएम है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम क्योंकि आज ही चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन हुआ है। हाँ, तो उसका होमवर्क मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरा ट्यूशन का टाइमिंग हो रहा है, तो मुझे ट्यूशन जाना है और मैं काफ़ी थक गई हूँ, आप मेरे फेस से देख सकते हो राइट। तो यस, मैं अभी ट्यूशन जाऊँगी, तो वो हिंदी का होमवर्क मैं मे बी घर आने के बाद, मतलब ट्यूशन से घर आने के बाद कर लूँगी, या तो वो मैं स्कूल में ही कर लूँगी क्योंकि मेरे स्कूल में थोड़े बहुत शॉर्ट ब्रेक्स वगैरह होते हैं तो उसमें मैं कर सकती हूँ। सो यस, अब मैं ट्यूशन जाऊँगी, सो लेट्स गो। सो हेयर गाइज, आई चेंज माई क्लोथ्स टू गो टू ट्यूशन, एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव बट हमारे ट्यूशन के लिए अलग से यूनिफॉर्म है, नॉट लाइक अ प्रॉपर यूनिफॉर्म बट येस एक टी शर्ट है जो हमें पहनना होता है, और नीचे हम कोई भी जीन्स वगैरह पहन सकते। सो यस, मैंने वही जो है टी शर्ट मैंने वो पहनी, और येस आई वॉज रेडी, और मैं यहाँ पर लिफ्ट में थी। बाय द वे, ट्यूशन ना गाइज थोड़ा ज़्यादा दूर है मेरे घर से, तो मैं रिक्शा लेके जाती हूँ अकेले, और हाँ ये मेरा रोज़ का काम है, मैं रिक्शा से जाती हूँ, रिक्शा से आती हूँ, कभी कभी मेरे पापा या मुझे कोई छोड़ देता है बट मोस्टली आई गो विद द रिक्शा। सो येस, मैं अभी रिक्शा में बैठी हूँ, एंड बाय द वे मुझे रिक्शा से आने जाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। My friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with your... सो गाइज, यहाँ पे मैं ट्यूशन से आ गई थी और काफ़ी अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे, एंड यू कैन लिटरली सी माई टायर्डनेस ऑन माई फेस। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर माई टुडेज वीडियो, आई होप यू ऑल एन्जॉयड वॉचिंग इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।